अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 10 जनरल नॉलेज की क्लास का। जैसा कि आप सबको बताया कि हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक असिस्टेंट के रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम 9 वीडियोस बना चुके हैं और ये हमारा 10वां लेक्चर है। तो स्ट्रेटजी सेम ही है, आपने अपने नोट्स बनाने हैं। जो मैं आपको समझाऊँगा बताऊँगा वो आपने अपने नोट्स पर लिख लेना है और उसको रिवाइज़ करते रहना है। इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर और मैथमेटिक्स उर्दू इंग्लिश के बारे में भी गाइड किया हुआ है कि आपने रिटर्न टेस्ट की तैयारी के लिए कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो हमारी वीडियोज़ देखें, उनसे भी फ़ायदा लें। तो ये जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 10 है, इसको स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर लैटिन वर्ड। कंप्यूटर जो है वो लातिनी ज़बान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोस। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सवाल में वो पूछता है कि बायोस का मतलब क्या है, तो ऑप्शन डिफरेंट होते हैं, तो हमने टिक करना है बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है जी हमारे पास HTML। HTML किसे कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे वेब पेजेस, वेबसाइट के पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। जिनका फील्ड कंप्यूटर साइंस है या ICS या FSC प्री इंजीनियरिंग वालों को ज़्यादा पता होगा। बहरहाल मेडिकल वालों या सिंपल FO वालों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिंपल वो पूछता है कि HTML का मतलब क्या होता है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है जी हमारे पास रियल नेम ऑफ अबू जहल। अबू जहल का असल नाम क्या था? सुहेल बिन उमर या सुहेल बिन अमरू भी कहीं पर लिखा होता है, दोनों ही ठीक हैं। रियल नेम ऑफ अबू जहल इज़ सुहेल बिन अमरू, और अबुल हिक्म जो है ये अबू जहल का टाइटल है। अब इस एक लाइन में दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। पहला ये कि अबू जहल का असल नाम क्या था? सुहेल बिन अमरू, और उसका टाइटल क्या था? अबुल हिक्म। नेक्स्ट है जी ए फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट आप सल्लम की पहली जो फोस्टर मदर थी, फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट, ये मेरे ख्याल से मैंने लिखना भूल गया, लेकिन यहाँ पे आएगा हज़रत सोबिया। हज़रत सोबिया जो है आपकी रज़ाई माँ है। पहली आप सल्लम की चार रज़ाई माँ थी, हज़रत सोबिया, हज़रत खोला और उम्मे ऐमन और हलीमा सादिया। बाद वो पूछता है कि कितनी थी, तो चार थी। अगर फर्स्ट पूछे तो वो हज़रत सोबिया थी। नेक्स्ट है जी हज़रत रुकैया डाइड एट विक्ट्री डे ऑफ बदर। हज़रत रुकैया जो कि हज़रत उस्मान की बीवी थी, बीबी रुकैया जो कि हज़रत उस्मान की बीवी थी, उनकी वफ़ात कब हुई? डाइड एट द डे ऑफ बदर, यानी कि जिस दिन गज़वा बदर हुआ उसी दिन उनकी वफ़ात हुई। नेक्स्ट है जी फर्स्ट वही, पहली वही कब नाजिल हुई? 610 AD। इन द बिगनिंग होली प्रॉफिट शेफर्ड बनू साद। शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे का काम किया। चरवाहे का काम, अब सवाल में ये पूछा जाता है कि कौन से कबीले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे का काम किया, तो बनू साद इज़ राइट ऑप्शन। बनू साद एक कबीले का नाम है जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे का काम किया। नेक्स्ट है जी हज़रत इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत मारिया में से थे, यानी कि आपके आप सल्लम के तीन बच्चे जो थे, सॉरी इसका राइट आंसर ये है कि आप सल्लम की सारी औलाद जो है वो हज़रत खदीजा में से थी, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वो हज़रत मारिया किब्तिया में से थे। तो हज़रत इब्राहिम का आप याद कर लें कि मारिया किब्तिया में से थे, बाकी जिसका भी पूछे तो वो हज़रत खदीजा में से थे। होपफुली आपको ये अपनी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है जी हरबे फुजार।
हर्ब फुजार जब हुई, जिसको जंग फुजार भी कहते हैं, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 15 साल थी, 15 ईयर। नेक्स्ट है जी हज़रत आमिना। हज़रत आमिना आप सल्लम की वाला बुरीड एट अबवा, कहाँ पे दफन है? अबवा के मकाम पर दफन है। हज़रत इब्राहिम 69 टाइम, हज़रत इब्राहिम का जिक्र कुरान पाक में 69 दफ़ा आया है। ये भी सवाल आता है कि हज़रत इब्राहिम का जिक्र कुरान पाक में कितने मरतबा आया है। 69 टाइम इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी नजीबुल्ला। नजीबुल्ला किसका टाइटल है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट है जी नेपच्यून। नेपच्यून को कोल्डेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। कोल्डेस्ट प्लेनेट प्लेनेट किसे कहा जाता है जी? नेपच्यून को। फर्स्ट टू रिसाइट कुरान इन हरम हरम ए मक्का अब्दुल्ला बिन मसूद। अब्दुल्ला बिन मसूद को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने पहली मरतबा कुरान पाक की तिलावत हरम हरम ए मक्का में की। तो ये सवाल पूछा जाता है कि हरम ए मक्का में सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत किसने की? अब्दुल्ला बिन मसूद इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी लार्जेस्ट सी। लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज़ साउथ चाइना सी। नेक्स्ट गज़वा तबूक जो है वो रोमन्स के ख़िलाफ़ लड़ी गई। ये सवाल आता है गज़वा तबूक किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई? रोमन्स इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट की? कांग्रेस ने। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट की? कांग्रेस ने, और कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की जमात थी। तो ये था आज का लेक्चर पंजाब पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। आपने नोट्स इसके लाजमी बनाने हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें मैं आपको कुछ टिप्स और शॉर्टकट्स भी बताऊंगा।